इस वक्त की बड़ी खबर, राज बब्बर ने बीएसपी और आरएलडी को दिया बड़ा झटका। बीएसपी के तीन विधायक कांग्रेस में शामिल, ये बड़ी खबर इस वक्त की। बीएसपी के तीन विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, आरएलडी के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, राज बब्बर ने बीएसपी और आरएलडी को बड़ा झटका दिया है। बीएसपी के तीन विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जबकि आरएलडी के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बीएसपी के धर्मपाल सिंह, ठाकुर सूरजपाल शामिल हुए हैं। आरएलडी के पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रजेश चाहर भी हुए कांग्रेस में शामिल। तो आरएलडी के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बीएसपी के धर्मपाल सिंह, ठाकुर सूरजपाल शामिल हुए हैं। तो यह बड़ा झटका माना जा रहा है बीएसपी और आरएलडी के लिए। आरएलडी के पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रजेश चाहर शामिल हो गए हैं कांग्रेस में, तो वहीं बीएसपी के तीन नेता शामिल हुए, तीन विधायक शामिल हुए हैं बीएसपी के कांग्रेस में। यह बड़ा झटका बीएसपी के लिए माना जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले बीएसपी के तीन विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आरएलडी के कई बड़े नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बीएसपी के धर्मपाल सिंह, ठाकुर सूरजपाल कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, तो वहीं आरएलडी के पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रजेश चाहर ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तो राज बब्बर ने बीएसपी और आरएलडी दोनों को बड़ा झटका दिया है। सज्जन सागर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सज्जन, ये कितना बड़ा झटका बीएसपी और आरएलडी के लिए? देखो, देखिए पहले तो मैं एक संशोधन करना चाहूंगा यहाँ। ये जो बसपा के तीन पूर्व विधायक हैं जो पिछली बार विधायक रहे थे और उसके बाद अब इन्हें जो करारी शिकस्त मिली थी, तो ये वो तीन कद्दावर बसपा के जो नेता है, पूर्व विधायक है, वो शामिल हुए। साथ ही साथ दो राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता है, सादाबाद के अनिल चौधरी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं वो शामिल हुए, और आगरा के जो पूर्व जिला अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकदल के ब्रजेश चाहर वो भी इसमें शामिल हुए। तो राज बब्बर ने एक नई जमीन तैयार की है। हालांकि राज बब्बर पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब दोबारा से वो इस जमीन को तय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि बसपा के लिए जो बड़ा गढ़ माना जाता था उसको एक बहुत बड़ा झटका दिया। साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल के जो दो कद्दावर जो नेता थे उनको भी कांग्रेस में शामिल कराया। जी, यानी बड़े जनाधार वाले ये नेता जो कि अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, वो भी जब जब बीएसपी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए गठबंधन में है, उसके बाद सज्जन ये बड़ा झटका जाहिर तौर पर जनाधार पर एक बड़ा असर भी पड़ेगा और दूसरे कार्यकर्ताओं नेताओं के मनोबल पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बसपा का ये गढ़ माना जाता था, दलितों की राजधानी कही जाती थी आगरा, और आगरा में अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो यहाँ बसपा का जो है एक दबदबा कायम रहता था, तमाम सारे विधायक यहाँ से जीत कर जाते थे। हालांकि ये दुर्भाग्य है बसपा का कि कभी यहाँ पर जो है सांसद की सीट वो नहीं निकाल पाए, लेकिन मुख्य मुकाबले में वही रहते थे। इससे पहले के अगर चुनाव की बात की जाए तो कुंवर चंद बकील यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और मात्र 9000 कुछ वोटों से वो यहाँ हार से हारे थे। उसके बाद रामनगर कठिया में दोबारा चुनाव लड़ा था, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक बड़े चेहरे के रूप में बीजेपी का जो उन्होंने नेतृत्व किया था, तो वहां उन्होंने 3 लाख से ज्यादा की जीत मिली थी। अब ऐसे में राज बब्बर ने एक बार फिर आगरा फतेहपुर सीकरी की जो सीट है वहां से चुनाव लड़ने का मन बनाया। हालांकि मुरादाबाद से राज बब्बर को कोशिश कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बदला मारा, पलटा मारा और उसके बाद फतेहपुर सीकरी से जो है ये प्रत्याशी बनाए गए और आज उन्होंने बसपा को एक बड़ा झटका दिया है। चलिए सज्जन, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आरएलडी के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, जबकि बीएसपी के भी पूर्व विधायक शामिल हुए हैं। धर्मपाल सिंह, ठाकुर सूरजपाल शामिल हुए हैं कांग्रेस में। यह बड़ा झटका बीएसपी और आरएलडी दोनों के लिए माना जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूपी कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल पर पिछड़ी जाति का होने के बावजूद अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने और उसी सीट पर चुनाव लड़ने का आरोप लगा है। साल 2016 में बने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को लेकर अब कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए। सर्टिफिकेट को लेकर दाखिल की गई याचिका का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री के प्रमाण पत्र के मामले में 15 जनवरी को सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें, टूंडला निवासी प्रेमपाल सिंह चक ने 24 अप्रैल 2017 में कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल के खिलाफ याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, हाईकोर्ट में दाखिल की थी। मामले को लेकर 26 मई 2017 को समाचार पत्रों में प्रकाशन सामने आ गया था। 18 अगस्त को पहली सुनवाई में कैबिनेट मंत्री के वकील सुशील कुमार श्रीवास्तव ने
वकालतनामा दाखिल कर दिया था। उसके बाद से कैबिनेट मंत्री के वकील लगातार बीमारी का प्रार्थना पत्र देकर सुनवाई को टालते रहे। मामले को लेकर अभी तक कोर्ट में बचाव दाखिल नहीं किया गया है, जवाब दाखिल नहीं किया गया है। टूंडला निवासी प्रेमपाल सिंह का आरोप है कि एसपी सिंह बघेल पिछड़ी जाति के हैं, जबकि टूंडला विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अब तक वो संसदीय चुनाव लड़ते रहे हैं। टूंडला से चुनाव लड़ने के लिए एसपी सिंह बघेल ने अनुसूचित जाति धांगड़ का प्रमाण पत्र आगरा से बनवा लिया। टूंडला विधानसभा क्षेत्र से उनकी जीत हुई तो टूंडला से एक कांग्रेस के नेता ने भी कोर्ट से इनके खिलाफ वाद दाखिल किया था। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल ने भी इनके खिलाफ आवाज उठाई थी। इस समय वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो एसपी बघेल ने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाया, इसको लेकर कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। सज्जन सागर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ। सज्जन, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है एसपी सिंह बघेल की? देखिए, अगर मुश्किलों की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जब एसपी सिंह बघेल टूंडला की सुरक्षा सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, विधायक बन जाते हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री हो जाते हैं, अब ऐसे में अगर इस नजरिए से देखा जाए तो बेहद बहुत कम मुश्किल लग रही है। जब वहां से वो एससी के प्रमाण पत्र पर चुनाव जीतकर मंत्री बनते हैं तो यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ने में उन्हें कोई काफी मुश्किल को सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये मामला जो है फिलहाल न्यायालय में चल रहा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अब आगरा में जो राजनीति गरमा गई है, तमाम सारे जो विरोधी खेमे हैं वो एसपी सिंह बघेल के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रामशंकर खटेरिया जो मौजूदा सांसद है आगरा से, उनको उनसे और उनके बीच में जो है प्रोफेसर एसपी सिंह जो बघेल हैं, दोनों के बीच में हालांकि मनमुटाव की खाई तो पैदा हो ही गई थी और इसको लेकर जो है तमाम सारे इनमें वाद विवाद भी चले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रामशंकर कठेरिया खुद जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इनकी टिकट कटवाने के लिए इस तरह का कोई कदम उठा सकते हैं। हालांकि राकेश बघेल जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, उन्होंने भी जो है इस बात का जो है भरपूर विरोध किया है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को टिकट नहीं दियाना चाहिए। हालांकि अब ये मामला जो है कोर्ट में चला। सबसे पहली बात मुख्य आपको बता दूं कि एक नियम के तहत ये जो धनगर का जो प्रमाण पत्र है वो इसके लिए दिया गया था कि जो बैक पर के पिछड़े लोग हैं और उन्होंने इसका कोई फायदा नहीं लिया है तो वो इसका प्रयोग कर सकती है। ऐसे में प्रोफेसर एफ सी सिंह बघेल जो है वो आगरा कॉलेज में प्रोफेसर भी है, तो अब इन्होंने पहले ये लाभ ले लिया तो अब इसका लाभ इन्हें नहीं मिलना चाहिए। जी, चलिए, शुक्रिया सज्जन ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।